बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मेरा ख्याल और मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा। नाज़रीन, किसी रियासत की तरक्की में बहुत से पिलर्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट जो पिलर्स हैं वो जुडिशरी और हकूमत हैं। अगर इन दो इंस्टीट्यूशंस का आपस में टकराव हो तो यकीनन मुल्क तरक्की तो नहीं कर सकेगा और फिर फकदे वाहिद को इंपॉर्टेंस देने के लिए मुल्क की तरक्की पर मजाक की बात लगती है। सवाल यह है कि कब तक हमारे इंस्टीट्यूशंस ये नहीं समझेंगे कि कौमी मुफाद इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं। मजीद ये कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिक जो कंडीशन है, इंपॉर्टेंस है, वो इतनी ज्यादा है कि ये बैरूनी ताकतों के लिए भी इंपॉर्टेंस का हामिल है। क्या मलाला यूसुफज़ई का पाकिस्तान आना इसी सूरत हाल का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है? मजीद ये कि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई है, क्या ये कोई एक रीयूनियन होने जा रहा है या फिर सूरत हाल वहीं की वहीं है? मजीद ये कि शहबाज शरीफ ने मनाई है नैब में हाजिरी की अपनी गोल्डन जुबली। तो ये सब वो पॉइंट्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है रॉयल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मियां यासीन। जी, तो ये मलाला यूसुफज़ई पाकिस्तान आई हुई हैं, तो इतना इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जैसे किसी स्टेट मिनिस्टर को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी कंट्रीब्यूशन है इनकी पाकिस्तान की तरक्की में कि उनकी प्राइम मिनिस्टर हाउस में दावत भी की जा रही है और जो आपने वो स्क्वाड देखा है जो उनको मिला है सेफ्टी का, आगे पीछे सिक्योरिटी, इतनी इतनी गाड़ियाँ, क्या कंट्रीब्यूशन है उनकी? कुछ भी कंट्रीब्यूशन इनका क्या होना है, बस जस्ट ये मलाला यूसुफज़ई जो है वो डायरियाँ इनकी मशहूर हैं, जिसकी वजह से कोई, यानी ये डायरियाँ लिखती थी, डायरी एक्टिविस्ट नहीं होते, तो इसकी वजह से इनको मशहूर किया जा रहा है कि इन्होंने डायरियाँ लिखी हैं। तो इसी तरह क्योंकि ऑलरेडी एक आयना फ्रैंक जो है वो लड़की, वो भी दूसरी जंग अजीम में वो भी इसी तरह डायरियाँ लिखती थी और उसको भी पहले मजलूम बना के पेश किया गया, लेकिन उसके वो ड्रामा इनका ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है दूसरी आपका 60 की दहाई में एक इंडोनेशिया से एक औरत आई, उसका भी ये बड़ा मशहूर किया गया कि उसके पेट आई, पाकिस्तान आई, अच्छा। ठीक है, उसका भी मशहूर किया गया, इन्होंने कही उसके पेट में से अजान की आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। तो वो सारे लोग इसमें परेशान थे कि ये क्या हो रहा है, ये अजान की आवाज़ क्यों आ रही है, कि क्या कोई वलीउल्लाह आ रहा है या कोई चीज़ और आ रही है। तो उस वक्त दौर तो चल रहा था अयूब का, ठीक है, जनरल यूरोप का दौर था, तो वो तो जाहिर है वो सुलझे हुए लोग थे, फौजियों को तो पहले पता होता कि क्या होना, वो इतना बिलीव भी नहीं करते इन चीजों पे। आपको पता है कि पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो नंबर वन इस वक्त जा रही है पूरी दुनिया में, बिल्कुल नो डाउट। तो वो इन्होंने कोशिश की है इसी तरीके से, उस वक्त भी इन्होंने कोशिश की कि इसको किसी ना किसी तरीके से ड्रामा वगैरह करके जो इसी तरह जो जिस तरह मलाला यूसुफज़ई को किया जा रहा है इसको मशहूर किया जाए, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों की टीम बुलवाई है कि आवाज़ें आ किस चीज़ की रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो ऑपरेशन किया गया, चेक किया तो उसका बीच में पता चला कि माइक्रोफोन उसके पेट में से निकला है, तो वो उसके बाद जो है वो भाग गई यहाँ से। तो ये जो मलाला यूसुफज़ई है इसका यही चक्कर इन्होंने चलाया थोड़ा सा, उसको तो बेचारी को खुद पता नहीं है कि जो डायरियाँ लिख रही हैं कौन लिख रहा है, इसके पीछे क्या हाथ चल रहा है डायरियाँ लिखने वाला। बिल्कुल सर, मेरा सवाल यही है कि वो तो एक बच्ची है, अब जो उसकी वो गुले मकई के नाम से जो वो डायरीज लिखती थी तो ये वो खुद लिखती थी और जो किताब उसने लिखी है तो उसके अपने अल्फाज है कि कोई लिखवा रहा है? वो एक मासूम 7 साल बच्ची है, मुझे बताएं 7 साल बच्ची क्या कर सकती है? 7 साल देखे ना, 7वीं क्लास में थी वो बच्ची जो है, मेरा ख्याल 11-12 साल उम्र होगी, उस हिसाब से वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये कि इनके जो वालिद हैं वो आपको पता है वो CIA के एजेंट हैं, तो इसी वजह से वो शकील अफरीदी जो है, ये वो शकील अफरीदी, ये शकील अफरीदी जो है वो उसामा बिन लादन वाला जिसने ओबामा की मदद की थी ना उसामा बिन लादन को पकड़ाने के लिए, ठीक है ना। इस वक्त तो वो जाहिर है हिरासत में है, वो पाकिस्तान वालों ने पकड़ लिया है, तो उसका तो पता साफ हुआ है, वो साइड पे हुआ, उसके फादर उसके दोस्त हैं। ये एक प्लान चल रहा है पाकिस्तान के मुतल्लिक, ये जो प्लान मेरे ख्याल में तो कामयाब नहीं होगा, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है सिचुएशन ऐसी है कि हम मलाला को कुछ नहीं कह सकते, जो तरीका इनका चल रहा है जाहिर है हमारी इसमें फौज भी देख रही है, अदलिया भी देख रही है, हमारे मैंने MPA भी देख रहे हैं, कोई ना कोई अपना तरीका कार होगा जिस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन ये कि इन्होंने जो इसको जिस तरीके से अब पेश किया गया है, आकर दूसरे मुझे बताएं कि दूसरे बच्चे जो शहीद हुए हैं हमारे जो पेशावर में शहीद हुए थे उनका कोई हक नहीं बनता था, ठीक है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का कोई हक नहीं बनता था, तो उनको पीछे कर दिया गया है, उनको इनको वो चीज़ें याद नहीं आ रही। तो इस वक्त मलाला चारों तरफ हो रही थी और वो 4-5 दिनों के लिए आई हैं, इस तरह आई हैं जिस तरह मिनिस्टर होगा, तो ये मिनिस्टर की तरफ वो आई हैं और आके वो वापस चली गई। तो ये जो इन पे अटैक हुए तालिबान को कैसे पता चला कि इनको टारगेट करना है? प्लैंड था कि इत्तफाक से हो गया है तो इन्होंने बस, नहीं था प्लैंड, नहीं था असल में। ये मलाला यूसुफज़ई है, ये गुल मकई के नाम से जो लिखा करती थी ना, ये ब्लॉग लिखा करती थी, अच्छा, ठीक है ना, वो जो ब्लॉग लिखा करती थी उसके हिसाब से उनको दहशत गर्दों को इसके पीछे छोड़ा गया, वो इसको ढूंढने के लिए आ गया। मुझे बताएं इंटरनेट के थ्रू आप किस तरह किसी को पकड़ सकते हैं, यानी कि इंटरनेट का तो पता
पता ही नहीं होता कि आप किस जगह पर बैठे हैं, किस जगह पर आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। एवं इनका ड्रामा मचाया गया, इन्होंने ड्रामा मचा के वो ड्रामा इनका कामयाब नहीं हुआ, तो इस वजह से वो सारे का सारा वो वहाँ पर जो लिखती थी उनका उसके हिसाब से इन्होंने आकर वो देखा कि वो कहाँ पर बैठी हुई, गुल मकई के नाम से वो लिख रही थी, यहाँ अगर मलाला यूसुफ़ज़ई वो निकली हैं तो उन्होंने किस तरह आके उसको अटैक किया, अटैक करके ड्रामा किया और ड्रामा करा के बाद में जो है अमेरिका ले गए और अमेरिका में जाके उसको और अब जाके उनको नोबेल प्राइज मिल गया, मास्टर्स की डिग्री मिल गई, हम पढ़ पढ़ के हमारा वो हो गया और मास्टर्स की डिग्री इनको बैठे टाइम मिल गया। वो मास्टर की डिग्री जो है वो जो शहीद हुए बच्चे उनके वालिदैन को मिलनी चाहिए या फिर आगे जो उनके आगे जो आने वाली नस्लें जो बच्चे पढ़ रहे हैं या मसलूम है या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है उनको पाकिस्तान लाना था। जब मलाला आ सकती है तो डॉक्टर आफिया क्यों नहीं आ सकती? डॉक्टर आफिया जो है काम भी नहीं कर रहे जी, डॉक्टर आफिया जो है उनको तो इन्होंने ये मुश्किल ये लाएंगे क्योंकि जो भी अमेरिका की पॉलिसी चल रही होती है ना वो उन्होंने उसी तरीके से करना होता है। वो मजलूम थी, मजलूम है, वो एक इन्होंने मेरा ख्याल है कि वो एक ऑलरेडी एक इन्होंने गिरफ्तार किया था अफगानिस्तान में एक औरत को, तो उनका गालबन मेरे ख्याल में नाम आ रहा था यूदन रेडली उसका नाम था उस, अच्छा। वो गई है, उसने जेल में देखा, वो कह रही है मैं जेल में रही हूँ तो मुझे महसूस हो रहा था वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है, अच्छा, लेकिन वो छूट जब वो वापस आई है उसके बाद उन्होंने वो उनका जब सलूक देखा उस सलूक को देखकर वो मुसलमान भी हो गई थी, लेकिन उसने आकर बताया कि मुझे इस चीज़ का पता चला है कि ये वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है, लेकिन उसको इन्होंने वापस लाना चाहिए था। अब तो ये डिपेंड करता है हमारी फौज के ऊपर, हमारी अदलिया के ऊपर, हमारे MNA MPA जो भी हमारी हुकूमत आ रही है उनकी क्या स्ट्रेटजी चल रही है, उनको उसके मुताबिक चलना होता है या उसके अगेंस्ट चलना होता है। अब वो क्या इसके लिए प्लान कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जाहिर है कोई ना कोई तो पॉजिटिव चल ही रहा होगा, लेकिन ये कि जाहिर है पाकिस्तान इस वक्त थोड़ा सा एक साइड पे करके अकेला करने की कोशिश की गई है, इसलिए हम अपनी पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी रिक्वायरमेंट नहीं मनवा सकते। हमारे मुल्क का इस वक्त इतना बेड़ा गर्क कर दिया गया है कि आपका असासे जो है वो बिल्कुल आप समझ लें कि अगले 2-3 माँ के अंदर अंदर वो जीरो पे आने वाले 12.8 को डॉक्टर आफिया को क्या लेके आना है, मुबादला जो जखाया ना आपके 12.8 रह गए हैं, 2-3 माह तक अगर इंतजाम ना किया गया पाकिस्तान के अंदर पैसा लाने का और पैसे को यूज करने का तो हर चीज बेरोजगारी फैल जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा हमारा मुल्क। इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए इनको, लेकिन मेरे ख्याल में तो अभी कोई कोशिश नहीं की जा रही, हर थोड़े दिनों के बाद वो कह रहे हैं कि हम ये करने लगे हैं वो करने लगे हैं, फिलहाल तो मेरे ख्याल में कोई पॉजिटिव चीज़ इस वक्त नज़र नहीं आ रही। दुआ करें अल्लाह करे कि ये कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब जो है ना जाते जाते नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में गोल्डन जुबली होगी, हम उन्होंने जरे मुबादला उनकी तो वहाँ गोल्डन जुबली होगी, गोल्डन जुबली उन्होंने कहा ना मनाना फिर गोल्डन जुबली जाके, वो कह रही थी ना निसफ सेंचुरी होने वाली है, मरियम नवाज रात कह रही थी सेंचुरी हमारी होने वाली है, वो खुश हो रही है, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही कि ये इन चीजों के कितना खुश होते हैं। उधर से वो कहते हैं आपका कैप्टन सफदर साहब वो कह रहे हैं कि हथकड़ियां लगेंगी तो पूरे मुल्क को लगेंगी, और भाई मुल्क आ रहे हैं की कीता असी की कीता साडा की आपको क्यों हथकड़ियां मुझे बचाए लगे हैं, आपके बच्चों को क्यों लगे, हमारे बच्चों को क्यों लगे, हमें क्यों लगे, हमारे ये कैमरामैन बेचारे इनको क्यों हथकड़ियां लग रहे हैं, भाई जिन लोगों ने फ्रॉड किया है जिन लोगों ने धोखा दिया है उन लोगों को हथकड़ियां लगनी चाहिए, हम फ्री में जेल जाएं भी हमें क्या जरूरत है जेल की रोटियां खाने की, हमें इनको पहले ख्वाब आ जाता है। वो कैप्टन सफदर के दिमाग में इस वक्त पता नहीं क्या चल रहा है, खुद चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अंदर जान दे मैं किसी ना किसी तरीके ना आगे आवा, इसी तरह जो है वो मरियम नवाज जो है उनको भी ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं उल्टे सीधे कि हमें लग रहा है हमें आगे जाना पड़ेगा। मरियम का ये कहना है कि चाहे आंधी आए हाँ जी या मुकदमे चले उन्होंने जिद्दोजहद नहीं छोड़नी, और उन्होंने कहा कि ये जो हमसे जबरदस्ती ये जो फैसले किए गए हैं ना इनसे आप हमसे एहतराम की तवक्को ना रखें क्योंकि जबरदस्ती के फैसलों का एहतराम नहीं होता। भाई मुझे बताएं ना कि जबरदस्ती फैसला इसमें कर कौन रहा है, इंसाफ की तोहीन है, देखें जबरदस्ती फैसला इसमें कर कौन रहा है, कोई जबरदस्ती फैसला नहीं हो रहा। 2-4 दिनों के अंदर अंदर JIT की रिपोर्टें आ रही है, वाजिद ज़िया और इनका जो ख्वाजा साहब जो वकील है कुछ भी हुए थे काफी काफी सारे वाजिद ज़िया जो है उनसे वो सवाल किए जा रहे हैं ना, वो अभी वेरिफिकेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ख्वाजा साहब इनके जो वकील हैं वो सवाल कर रहे हैं, तो आजकल इनका वो थोड़ी सी वेरिफिकेशन चली हुई है और उसमें वो वाजिद ज़िया जो वो सही जवाब नहीं दे पा रहा, आपस की बात है इसमें कुछ लग रहा है कि कोई ना कोई दाल में पहले काला कहते हैं दाल में चिट्टा चिट्टा है थोड़ा सा कोई ना कोई नजर आ रहा है कि मेरा ख्याल है कि इनको कोई ना कोई रिलीज मिलने वाला है। इस वजह से ये मरियम जो है ये चाहती हैं कि किसी ना किसी तरीके से डील कर ली जाए, यानी अच्छा, कि डील से मुराद ये है कि नवाज शरीफ वाली डील नहीं है, वो NRO के चक्रों में शायद ये पड़े हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं कि 20 करोड़ अवाम ने वोट दिया तो 5 करोड़ ये NRO जो है साफ साफ सी बात है, फौज भी नहीं चाहती NRO हो, अदलिया भी नहीं चाहती NRO हो, खास तौर पर जो है इमरान खान साहब ने NRO नहीं होने देना, इस दफा जो है मेरे ख्याल में सरदारी भी NRO नहीं होने देगा। इस दफा पहले NRO हुए हैं 2007 में बेनजीर के साथ NRO हुआ है, देखे ना वो हुआ था NRO, लेकिन ये कि इस दफा NRO नहीं होने वाला ना इमरान खान ने होने वाला है,
ये बेशक अदलिया भी इस चीज को सोच ले, बेशक कोई और अदारा भी इस चीज को सोच ले, इस दफा एनआरओ में तो मेरे ख्याल में अगर खुदा ना खास्ता एनआरओ हो गया तो पूरे पाकिस्तान की अवाम उसमें शामिल होगी उस एनआरओ के खिलाफ जाने के लिए। भाई अरबों करोड़ों रुपया आपने लूट लिया, हमारे मुल्क को दिवालिया कर दिया, उसके बाद भी एनआरओ कर दिया जाए, इस तरह तो हर दफा एनआरओ ही चलते रहेंगे और मरियम नवाज जो है इसी तरह के सवाल और जवाब करती रहेगी कि अदलिया के ऊपर पहले लानतन करते रहो उसके बाद फरियादी बन के चले जाओ और फरियादी बनने के बाद आगे कह रहा है जी मैं तो फरियादी हूँ, मैं तो कौम के लिए फरियाद करने गया था, खकाना बासी साहब, ठीक है ना। अब भाई आपको अवाम के लिए आपने कौन सी फरियाद की है, कौन से आपने ऐसे सवाल किए हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब अवाम को पानी दे दिया जाए, चीफ जस्टिस साहब अवाम को पेट्रोल दे दिया जाए, चीफ जस्टिस साहब अवाम के लिए स्कूल बना के दे दिए जाए, भाई कौन सा आप उसके फरियादी करने कुछ नहीं होते ना, उन पे भी कह रहे हैं कि ये हमारे काम में जो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कोई एनआरओ वगैरह मेरे ख्याल में इनको मिलने वाला भी नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर खुदा ना खासा अगर एनआरओ मिलता है तो ये अवाम सारी बाहर निकल आएगी। एनआरओ मुश्किल है इस दफा, एनआरओ इस दफा मुश्किल है। वैसे मियां साहब आज काफी खुशी का दिन है क्योंकि सुना है कि पेट्रोल जो है वो 2 रुपए सस्ता हो गया, इसके अलावा हकान अब्बासी साहब और अवैस लगाई साहब कह रहे हैं कि लोड शेडिंग खत्म हो गई है, ये कहां खत्म हुई, घरों में खत्म हुई होगी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कल आप देखे, कल हमारे एरिया में सारा दिन जो है वो बिजली गई, हालांकि आप देखें आप कैपिटल में रहते हैं, लोड शेडिंग खत्म हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं खत्म हो सकती, भाई मुझे बताएं ना लोड शेडिंग कैसे खत्म होगी, हो ही नहीं सकती। 526 अरब रुपए इन्होंने लोड शेडिंग की जद में आपकी ऑयल कंपनियों को देने हैं, जो बिजली बनाने वाली कंपनी है, 526 अरब रुपए देने हैं। उसके बाद 526 अरब में इक्तसादी राबता कमेटी में मैंने कल परसों भी आपको कहा था लोड शेडिंग इस वक्त नामुमकिन है, वो खत्म नहीं हो सकती। इस वजह से नहीं खत्म हो सकती कि ये खत्म होना करना चाहते नहीं है, ये चाह रहे हैं कि हमारी हुकूमत जा रही है इस माह उससे अगले माह के एंड में, मई के एंड में जाके ये 15 दिन के लिए ये खत्म करेंगे, उसके बाद एक माह 2 माह और की निकालने की कोशिश करेंगे, जो किस्त हमने 2 माह बाद या 3 माह बाद 80 अरब रुपए देने होते हैं, उसके 80 अरब रुपए जो है इक्तसादी राबता कमेटी ECC जिसको हम बोलते हैं उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं, उन्होंने वहां से अप्रूवल दे दिए, इन्होंने आगे दिए ही नहीं है। और जो आप पेट्रोल की बात कर रही हैं, मुझे बताएं 2 रुपए सस्ता हुआ है, भाई 7 माह से पेट्रोल बढ़ रहा है, 7 माह से बढ़ता बढ़ता अब 2 रुपए सस्ता कर दिया है, 60 रुपए, 70 रुपए, 65 रुपए, उसके बाद 80 रुपए, उसके बाद 88, उसके बाद 90 कर दिया, अब 90 में से आप, आपको पता है कि ओगरा जो है उन्होंने तो तजवीज कितनी दी है, उन्होंने तो 5 रुपए सस्ता किया है, इन्होंने आगे 2 रुपए सस्ता किया है, जिस तरह 80 अरब रुपए जो है वो वहां से जो है जारी हो इक्तसादी राबता कमेटी जो वहां से चल चुके हैं लेकिन आगे गवर्नमेंट ने दिए ही नहीं। इसी तरह ओगरा जो है उन्होंने इस वक्त 5 रुपए की तजवीज दी थी, उन्होंने अप्रूवल दी है, उन्होंने 5 रुपए का कहा है, इन्होंने 2 रुपए सस्ता किया है, तो 2 रुपए सस्ता करके और वापस जो देख लेंगे अगले थोड़े दिनों बाद आप देख लेंगे ये 100+ में जाएगा। ये सारे झूठ बोले जा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी लोड शेडिंग कभी भी नहीं खत्म हो सकती, ना ये खत्म करना चाहते हैं। अवैस लगारी साहब जो हैं साफ झूठ बोले जा रहे हैं, हमारे वजीर आजम साहब जो हैं साफ, उन्होंने वो एक दिन वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठ के कहा कि ये नवंबर 2017 तक आपकी लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी, भाई बिल्कुल लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई, ना होनी है, जो मर्जी करते और आगे तो गर्मी आ रही होगी, इतना टेम्परेचर हाई, हाँ आगे कुछ आगे गर्मी आ रही है। वैसे मियां साहब मेरा ख्याल है कि जरा अच्छा हुआ है थोड़ी हो लोड शेडिंग, क्योंकि जो इलेक्शन होने हैं वो गर्मियों में हो, जरा लोगों को लगे गर्मी, अंदाजा हो कि ये लोग जो हैं अब इनको वोट नहीं डालना, थोड़ा तो अंदाजा इनको, नहीं 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 ये अंदाजा हो नहीं रहा, ये अंदाजा हो जाएगा इस दफा, ये देखिए कि आपका बनता क्या है, ये लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, अभी तो कराची वालों को पता चल रहा है, कोयटा में पता चल रहा है, फैसलाबाद में पता चल रहा है, 16 घंटे की इन्होंने लोड शेडिंग करनी शुरू कर दी है। अब देखिए सवाल, अब तो आगे पता चलेगा, अगर थोड़ा सा अरसा आने दें, हाँ अरसे के बाद आपको पता चलेगा, अभी तो अगले 1 माह बाद गर्मी शुरू होगी, अभी आप देख लीजिएगा कि 24 घंटे तक इन्होंने ले लेनी है, अभी तो ये 16 घंटे हो रही है, ये जो कह रहे हैं ना कि 1-2 घंटा लोड शेडिंग रह गई है, 1-2 घंटा कुछ अरसे के लिए ये करते हैं, उसके बाद फौरी तौर पर यही कर दिया, वही वाले हालात, वही हालात कर दिए जाते हैं। तो मियां साहब MQM का बताएं कुछ, अपना पार्लियामेंट्री लीडर वो ले आए हैं, तो फारूक सताक साहब अब क्या चाहते हैं, फारूक सतार साहब ने क्या करना है, ये फारूक सतार साहब जो है वो पार्लियामेंट्री वो सेनेट के लिए पार्लियामानी लेके आना होता है ना अपना, उन्होंने मेरा ख्याल है कि वो बैरिस्टर जो है बैरिस्टर साहब जो उनको ले आए हैं, इसके बाद जो है फारूक सतार साहब जो है मेरा ख्याल है वो चाहते हैं, मिर्जा साहब है गालबन उनको लेके आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने टांग तो उड़ानी होती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले इन्होंने मसला कामरान उनका जो है इलेक्शन कमीशन ने पहले इनको फारग कर दिया, उसके लिए अपील करने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इनकी पतंगे ऐसा ऐसा उड़ रही है, हसन वसीम है मेरा ख्याल गालबन नाम है इनका, तो हसन वसीम साहब जो है वो इनकी पतंगे कल उड़ चुकी है, उससे पहले 10-12 लोग पहले उड़ चुके हैं, वो PSP में जा रहे हैं, वो कमाल वाली पार्टी जो है ना मुस्तफा कमाल उस पार्टी में जा रहे हैं, मेरे ख्याल
خیال میں جو ہے اس کا مستقبل لوگوں کا برائٹ ہوتا ہے، اس کا مستقبل مجھے برائٹ نظر نہیں آ رہا، یہ ایم کیو ایم کا جو ہے کام اس وقت خراب ہو چکا ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کا آگے کچھ بنے گا، اس وقت ان کی پتنگیں ایسا ایسا کر کے اٹھتی جا رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ الیکشن ہونے تک یہ زیرو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک کلپ دکھاتے ہیں آپ کو، آپ کلپ دیکھیں ناظرین، پھر ہم بات کرتے ہیں اس کلپ پہ، لیٹس سی دا کلپ۔ شہباز شریف صاحب نے جنگلا بس بنائی ہے، جنگلا بس بنائی ہے، جو لاہور کے اندر جو بس ریپڈ بس جو بنائی ہے، میٹرو بس جو بنائی ہے۔ ناظرین بریک پہ چلتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے اس کلپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔